सामने से कुछ ऐसी लगती थी हमें। बात करें सबसे पहले इंजन की बात करेंगे क्योंकि इंजन ही गाड़ी में मेन होता है। तो यहाँ पर आपको 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर V6 एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। जो अगर बोर की बात करें इसमें 50 mm एंड स्ट्रोक 49.5 mm का मिल जाता है। पावर की बात करें तो इंजन मैक्सिमम पावर 7.91 BHP 8000 RPM पर जनरेट कर सकता है और टार्क की बात करें तो 8.05 Nm 6000 RPM पर जनरेट करता है। अगर हम बात करें इसके गियर की तो इसमें 4 गियर पैटर्न दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका गियर लीवर लगा हुआ है, यहाँ पर 4 गियर हैं, पीछे की तरफ पड़ते हैं और आगे की तरफ न्यूट्रल हो जाता है, वही पुराना पैटर्न है। और यहाँ पर अगर बात करें तो चैन ड्राइव है, सभी बाइक के चैन ड्राइव होती हैं, बेल ड्राइव केवल स्कूटी होती हैं। और चैन का कवर यहाँ पर प्लास्टिक का दिया हुआ है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोहे का अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं अच्छा होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए क्लच लीवर लगा हुआ है। इस बाइक में आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको कार्बोरेटर की जगह पर फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है क्योंकि 2021 मॉडल है तो फ्यूल इंजेक्शन तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए FI लिखा हुआ है और ये फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ है, कार्बोरेटर नहीं है इसमें। अगर बात करें फ्यूल टैंक की, देखिए कितनी बढ़िया स्टिकरिंग की गई है। स्टिकरिंग के मामले में हीरो कंपनी बहुत आगे है, हर 6 महीने में स्टिकरिंग अपनी चेंज करती रहती है, तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.6 लीटर की कैपेसिटी है और इसकी रेंज अगर बात करें तो 624 किलोमीटर जा सकती है 9.6 लीटर पेट्रोल में। और माइलेज की बात करें तो 65 KMPL का माइलेज देती है, ओनर रिपोर्टेड है। अगर हम बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की तो इसमें IVS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर IVS लिखा भी हुआ है, बैजिंग की गई है और यहाँ पर देखिए 2 वायर लगे हुए हैं। दो वायर में एक वायर तो आगे फ्रंट लीवर जो होता है ब्रेक का उसमें जुड़ा रहता है और सेकंड जो वायर है वो रियर ब्रेक जो पैडल रहता है इसमें जॉइंट होता है। ठीक है, इसका पैटर्न यह है कि जब आप रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो 40% फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगी, तो यही IVS है, मतलब दोनों ब्रेक एक साथ लग जाती हैं जिससे जल्दी गाड़ी रुक जाती है। अगर हम बात करें व्हील की तो इसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं, वो भी 18 इंच के हैं। रियर वाला अलॉय व्हील भी 18 इंच का दिया गया है, ये देखिए। अगर हम टायर की बात कर लें तो इसमें 2/75/18 टायर दिया गया है और वही 2/75/18 आगे भी टायर दिया गया है जो कि ट्यूबलेस नहीं है। इसमें तो भाई ट्यूबलेस नहीं है, हो सकता है अभी ट्यूबलेस आने भी लगे हों, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक कैटलिटिक कन्वर्टर देखिए साइलेंसर में लगा हुआ है, उस पर एक कवर भी लगाया गया जिससे ब्रेक लगाते टाइम आपका पैर इधर साइलेंसर में टच ना हो, तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करें DRL की तो उसमें अलग से कोई DRL नहीं दिया गया है, वही हेडलाइट ऑन होती है स्टार्टिंग पे, मैं ऑन करके स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। चूँकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, किक स्टार्ट मॉडल है तो हमें किक लगानी पड़ेगी। देखते हैं हाथ से ही स्टार्ट करके देखते हैं होती है कि नहीं। देखिए मैंने कर दिया है, स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। तो देखिए इसकी हेडलाइट ऑन हो चुकी है, अच्छी खासी हेडलाइट है और इसका जो है सेकंड पॉइंट जो है ये हाई बीम है, हाई बीम में और तेज़ हो गई है लाइट, दिन में दिखाई नहीं पड़ेगी अच्छी। तो अभी हम गाड़ी बंद कर देते हैं। तो अलग से कोई DRL नहीं है, यही लाइट है, यही ऑन रहती है। मैसाज की अगर बल्ब की बात करें तो 35-35 वाट का बल्ब दिया गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, लेकिन 35-35 वाट दोनों पॉइंट हैं इसके। अब बात कर लें इसके ओडोमीटर की, ओडोमीटर इसका एनालॉग है, डिजिटल तो नहीं है। ये देखिए तो यहाँ पर स्पीड मीटर भी यह दिया गया है, स्पीड मीटर कितना भागती है ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊँगा, वीडियो अलग से डालूँगा। अभी मेरी 3610 चल चुकी है। और भाई इधर फ्यूल मीटर दिया गया है, यहाँ पर फ्यूल दिखता है और यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की लाइट है, यहाँ पर ये चेक इंजन की लाइट ये स्टार्ट होने पर बंद हो जाती है, ये हाई बीम की लाइट है, यहाँ पर टर्न सिग्नल के इंडिकेटर दिए गए हैं, बंद कर देते हैं इसको। और ये इसके रियर व्यू मिरर हैं, ये देखिए काफ़ी सिंपल से हैं लेकिन यही अच्छे हैं, क्योंकि मेरे पास आई स्मार्ट बाइक है, उसके मिरर जो है बेकार हो गए हैं, डीले हो जाते हैं, तो ये सिंपल मिरर ही अच्छे होते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। अगर ख़राब हुए भी तो चेंज भी करा लेंगे आप, क्योंकि सस्ते पड़ जाते हैं। और आई स्मार्ट के मेरे गाड़ी के हैं 250-250 के 2 मिरर हैं। और बात 500 की नहीं है, बात यह है कि वो नई गाड़ी में ही मिरर ख़राब हो गया था लेफ्ट वाला, तो ये मेरा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मिरर जो बनाया हीरो ने आई स्मार्ट गाड़ी में जो लगाए वो सक्सेस नहीं हुए। तो इस गाड़ी में जो मिरर हैं ये काफ़ी सक्सेस हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसकी अगर सीट देखें तो सीट इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, चौड़ी सीट और लंबी सीट है, तो 3 लोग भी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ग्रैब रेल की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एक कमी है, ये ग्रैब रेल जो है ये प्लास्टिक का है, रबड़ का नहीं है।
क्योंकि होंडा की सभी गाड़ियों में रबड़ का आ चुका है। रबड़ में फ़ायदा यह होता है इसकी पेंट कभी जाएगी नहीं और थोड़ा अच्छा लगता है पकड़ने में भी। प्लास्टिक का है लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि बजट के हिसाब से गाड़ी में हर चीज़ लगाई जाती है तो बजट में काफ़ी कम है होंडा एसपी से। तो अगर हम बात करें इसके टेल लाइट की, यहाँ पर देखिए हीरो की बैजिंग दी गई है। टेल लाइट के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक 5 वाट का है एक 21 वाट का है। 5 वाट वाला जब इंजन स्टार्ट होगा तब ऑटोमेटिक जलता रहता है, 21 वाट का जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तब जलेगा। और हम बात करें फुटरेस्ट की तो यहाँ पर देखिए फुटरेस्ट, ये प्लेन फुटरेस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया है जो मुलायम भी है। और यहाँ पर ये देखिए फोल्डिंग फुटरेस्ट है, राइडर फुटरेस्ट जो दिया गया फोल्डिंग वाला है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 12 वोल्ट 3 एम्पीयर की बैटरी दी गई है वो इसके अंदर है। और 3 एम्पीयर का मतलब है कि आप ज़्यादा बड़ा हॉर्न नहीं लगा सकते हैं, 3 एम्पीयर के अंदर ही आपको हॉर्न लगाना रहेगा नहीं तो बैटरी डेड हो जाएगी। और यहाँ पर इंडिकेटर देखिए वाइट कलर का शीशा दिया हुआ है, अंदर एम्बर कलर के बल्ब लगे हुए हैं। इसमें अगर कलर की बात करें तो आपको यहाँ पर 5 कलर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके नाम बताता हूँ और आपको डिस्प्ले पर दिख भी रहे होंगे। टेक्नो ब्लू कलर आपको मिल जाएगा, हैवी ग्रे विद ग्रीन कलर मिल जाएगा, हैवी ग्रे विद ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा, ब्लैक विद पर्पल मिल जाएगा, ब्लैक विद रेड भी मिल जाएगा। तो सारे कलर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हो सकता है शोरूम पे ना हो लेकिन आप ऑर्डर करेंगे तो ज़रूर आ जाएगी। प्राइस की बात करें तो किक एलाय, जैसा कि दोस्तों ये गाड़ी है हमारी किक एलाय है क्योंकि यहाँ पर देखिए सेल्फ नहीं लगा हुआ है, तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है तो 53,379 यानी 53,379 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है इसका। अगर सेल्फ एलाय की बात करें मतलब यहाँ पर सेल्फ लग जाएगा तो सेल्फ एलाय की जो रेट प्राइस होंगे वो 59,915 यानी 59,915 रुपये। और सेल्फ एलाय i3s यानी एक गाड़ी इसमें आती है जिसमें i3s भी होता है तो i3s का शोरूम प्राइस 61,224 यानी 61,224 रुपये है। तो i3s क्या है मैं आपको बता दूं, वैसे है तो एक बहुत ही बेकार चीज़ क्योंकि इसका कोई मेरे हिसाब से तो कोई यूज नहीं है। लेकिन i3s में क्या होता है, जब ट्रैफिक में फंसेंगे तो आप गाड़ी न्यूट्रल करके जब खड़े हो जाएंगे तो 5 सेकंड या 10 सेकंड में आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, उसके बाद जब भी आप क्लच दबाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये है i3s सिस्टम। मुझे नहीं लगता इसका कोई यूज है क्योंकि गाड़ी आप न्यूट्रल करेंगे ही क्यों, ट्रैफिक में आप जब खड़े होंगे तो गाड़ी हमेशा गियर में और क्लच दबा रहता है, तो अगर आपका क्लच दबा हुआ है तो i3s सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए यह बेकार सिस्टम है क्योंकि अगर न्यूट्रल करके आप खड़े होंगे तो इससे अच्छा है चाबी भी बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो i3s का कोई मतलब काम तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई काम है i3s का, ये अच्छी चीज़ है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी और इस चलाने में कैसी लगती है आपको। मेरे हिसाब से तो ये बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत पुरानी मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत दिनों से चल रही है ये और आज भी मार्केट पर अच्छा खासा कब्जा बनाए हुए है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल और बेल आइकन को हिट कर दें जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।